सब्सक्राइब कीजिए 029 चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन अबंडेंस इन सोयाबीन? कौन सा पोषक तत्व सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NRHM प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद? NRHM प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है रूरल हेल्थ, ग्रामीण स्वास्थ्य से। और दोस्तों, कभी आपको NRHM की फुल फॉर्म भी पूछने के लिए आ सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ? न्यूमिस्मैटिक्स किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर है क्वाइंस एंड मेडल्स, सिक्के और पदकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विद? मेधा पाटकर का नाम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कथकली इज द फेमस डांस ऑफ? कथकली कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है हैग, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम अंजलि भागवत इज एसोसिएटेड विद? अंजलि भागवत का नाम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ज्वाला गुप्ता इज एसोसिएटेड विद? ज्वाला गुप्ता का नाम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री कैलाश सत्यार्थी हु हैज बीन अवार्डेड नोबल पीस प्राइज फॉर 2014 इज नोन फॉर हिज वर्क? श्री कैलाश सत्यार्थी जिन्हें सन 2014 में नोबल शांति पुरस्कार मिला था, अपने किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, पर्टिकुलरली चाइल्ड राइट, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मुख्यतः बाल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोग्राम्स इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन? इनमें से कौन सा प्रोग्राम, कौन सी स्कीम प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण के साथ संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ICDS, जो कि बाल कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट मिड डे मील AB, और नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान AB, और लास्ट ऑप्शन है मनरेगा, जो कि रोजगार से रिलेटेड है, तो ये बाल कल्याण से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा मनरेगा। ठीक है, आपसे कभी मनरेगा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी इज, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है बर्लिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ म्यांमार इज, म्यांमार की करेंसी क्या है? तो इसका आंसर है कयात. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन लोटस अवार्ड इज एसोसिएटेड विद, स्वर्ण कमल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सिनेमा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन द बुक अनटचेबल, अनटचेबल नामक बुक के राइटर कौन है? तो इसका आंसर है मुल्क राजा आनंद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कीप्स अ विजिल ओवर ह्यूमन राइट वायलेशन वर्ल्ड वाइड, इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव अधिकार भंग पर विश्वव्यापी सतर्कता रखती है? तो इसका आंसर है एमनेस्टी इंटरनेशनल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज There are dash spokes in the wheel shown at the center of Indian national flag. भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगे के मध्य में विद्यमान चक्र में कितनी सलाखें होती हैं? तो इसका आंसर है 24. The word Satyamev Jayate inscribed below the base plate of एम्बलम ऑफ इंडियन हैव बीन टेकन फ्रॉम, भारत के प्रतीक की आधार पट्टी में अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर है मुंडकोपनिषद से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मधुबानी इज अ, मधुबानी क्या है? तो इसका आंसर है स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग, लोक चित्रकला की शैली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हूज नेम इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट की खोज के साथ किसका नाम संबंधित है? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड नोबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर इज नोन एज, टूट फूट के कारण स्थायी परिस्थितियों सॉरी टूट फूट के कारण स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में हुई कमी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है डेप्रिशिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दलाल स्ट्रीट इज सिचुएटेड इन, दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1969, वर्ष 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? तो इसका आंसर है 14. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस कमीशंस विल नाउ बी नोन एज नीति आयोग, इनमें से कौन सी एजेंसी संस्था आयोग अब से नीति आयोग से जाना जाएगा? तो इसका आंसर है प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन का अब नया नाम हो गया है नीति आयोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस दिलवरा टेम्पल आर लोकेटेड इन, प्रसिद्ध दिलवरा के मंदिर कहां स्थित हैं? तो इसका आंसर है राजस्थान. एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. आयरन इज प्रीवेलेंट इन अबंडेंस इन, आयरन प्रचुर मात्रा में कहां से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ग्रीन वेजिटेबल्स.
हरी सब्जियां। तो दोस्तों आज की स्मार्ट क्लास में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा।